मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास, ठीक है, एक मेटल की वायर है, मास एम है और लेंथ एल है, सेमी सर्कुलर आर्क में हमने इसको बना दिया। तो आपको एक पॉइंट मास सेंटर पे रख दिया, आपको बताना है पॉइंट मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगाई उस वायर ने। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया, बिल्कुल बिना इंटीग्रेशन सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लेना है, एक सेमी सर्कुलर वायर लेनी है। इस सेमी सर्कुलर वायर का मास एम है और लेंथ क्या है, एल है। तो आपने क्या किया, इस एल को क्या बनाया, पाई आर बना दिया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एल डिवाइडेड बाय पाई ले लेना। टोटल मास कैपिटल एम है, आप इसके सेंटर पे एक स्मॉल मास रख दें स्मॉल एम। आपको बताना है कि इस सेमी सर्कल ने इस मास पे क्या फोर्स लगाई, क्लियर है। जब भी इस टाइप की बॉडीज आएंगी, आप एक काम करेंगे, इसमें इसके अंदर आप एक एलिमेंट लेंगे, ये देखो स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप इसका एलिमेंट लें, ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लें, ये आपने इसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया, जिसने एंगल स्मॉल क्या बनाया यहाँ पर, डी थीटा। स्मॉल एंगल क्या बनाया, डी थीटा, सच दैट यहाँ पे ये जो आपने एलिमेंट लिया, जो आपने एलिमेंट लिया उसने यहाँ पे एंगल क्या बनाया, थीटा। तो आपने थीटा एलिमेंट पे डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट ले लिया, जैसे रॉड में नहीं करते थे, एक्स के ऊपर डी एक्स लेते थे, इसमें थीटा के साथ डी थीटा ले लिया, एंगुलर है ना। तो इमेजिन करो इसका मास कितना है, डीएम, डीएम, क्लियर है यहाँ तक। फिर आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें ये करना है कि ये मास, इस पॉइंट मास को हमने नेट फोर्स इस पर निकालनी है, तो सारे वेक्टर इस पर बनेंगे, पॉइंट मास को ये मास अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये जो फोर्स लगाएगा, इस फोर्स की वैल्यू है डी एफ, एफ नहीं होगी ना डी एफ, क्योंकि स्मॉल मास है, तो फोर्स एफ कैसे लगाएगा, स्मॉल लगाएगा पहले तो डी एफ, और इस डी एफ का एक कॉम्पोनेंट होगा डी एफ इंटू कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट यहां पर जाएगा डी एफ इंटू साइन थीटा, सही है क्या है पॉइंट यहां तक। अब प्रॉब्लम है ना, फोर्स टू डी में है, मतलब एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके कॉम्पोनेंट भी लेने पड़ेंगे, एक्स में अलग वाई में अलग। अब जब सिमेट्रिकल फिगर्स मिलेंगी ना आपको कभी भी, इधर भी और इधर भी, एलिमेंट एक मत लिया करो, एलिमेंट दो लिया करो, एक एलिमेंट सेम यहां पर भी ले लेना है, जिसने सेम डायग्राम यहां पे बिल्कुल सेम डायग्राम बना लेना है एट एन एंगल ऑफ थीटा, और बिल्कुल सेम तरीके से यहां पर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, डी एफ। यहां पर फोर्स जो लगेगी वो क्या लगेगी, डी एफ, और डी एफ का एक कॉम्पोनेंट क्या होगा, डी एफ कॉस थीटा, और एक इस तरफ जाएगा डी एफ साइन थीटा। जब तुम बाईसिमेट्री कॉम्पोनेंट्स लेते जाओगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो ये कॉम्पोनेंट इस कॉम्पोनेंट को क्या करता जाएगा, कैंसल, क्लियर है यहां तक। और जो नेट वैल्यू आएगी फोर्स की, वो डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा के इंटीग्रेशन, दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स ने यहां पर टू डी एफ साइन थीटा कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो एक एलिमेंट ने कितना किया, डी एफ साइन थीटा। तो तुम नेट फोर्स जो निकालोगे वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा निकालोगे। एक एलिमेंट लेते हैं ना, दो तो लेते ही नहीं, तो एक एलिमेंट का डी एफ साइन थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब डी एफ की वैल्यू होगी क्या, डी एम और एम के बीच में फोर्स, ये रेडियस आर है, तो डी एफ की वैल्यू होगी जी इंटू डी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा, सही है। तो ये आपने फोर्स की वैल्यू भी पुट कर दी इसमें, कोई डाउट इसमें, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। इस फोर्स में जो डीएम एलिमेंट है, जब भी इस टाइप का सेक्टर बने, एक मतलब आप ये मत सोचना कि मेरे को कैसे पता लगेगा ऐसे डी थीटा थीटा, पता तो तब ना लगे जब क्वेश्चन में चेंज करूं, हर क्वेश्चन में टेक्निक यही है। जैसे रॉड में एक्स डी एक्स डी एम स्टैंडर्ड है, इसके अंदर थीटा डी थीटा डी एम, और इस एलिमेंट की स्मॉल लेंथ है डी एल, डी एल स्टैंडर्ड है, तो ये डी एल ले लिया। इस सेक्टर के अंदर स्मॉल एंगल डी थीटा इज डी एल डिवाइडेड बाय आर, एंगल इज आर्क बाय रेडियस,
तो यहां से dl की वैल्यू क्या आ गई, r इंटू डी थीटा। आप सोचेंगे ये क्यों कर रहा है, बताता हूं इसलिए क्योंकि मेरे को किसकी वैल्यू पुट करनी है, dm की। dm की वैल्यू क्या होगी, dm की वैल्यू होगी, dm की वैल्यू होगी m बाय l, पूरी सेमी सर्कल के लिए मास क्या है m, लेंथ क्या उसकी l, और हमारे पास लेंथ कितनी है dl। ये रहा आपके पास dm। तो मुझे क्या चाहिए होगा इसके लिए, dl। तो मैं काम करता हूं, f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g, dm की जगह m, l dl m साइन थीटा डिवाइडेड बाय r, और dl की जगह अगला स्टेप भी बोर्ड खत्म हो गया, पर dl की जगह क्या पुट करेंगे, r इंटू डी थीटा। तो आपके पास क्या फंक्शन बनेगा, g इंटू एम बाय एल इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू एम इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय r। और मैं लिमिट क्या लगाऊंगा, पहला एलिमेंट ये रहा तो थीटा जीरो, आखिरी एलिमेंट वो रहा तो थीटा 180। तो जीरो से लेके पाई तक मैं इंटीग्रेट करूंगा, मेरे पास कुछ ऐसा आंसर आएगा, मेडिकल में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में भी नहीं आएगा, और मेंस में तो 2024 में आया है, बहुत दूर भी नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं यार ये मतलब कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे कैसे। तो मैं आपको अगर अपनी प्लस टू की बुकलेट दिखा दूँ ना अभी, आप हैरान हो जाएंगे, पहले चौथे पांचवें लेक्चर में ये कुछ स्टार्ट हो जाता है और पूरा सीक्वेंस चलता है। जितनी फिगर्स इसमें रिंग की डिस्क की सब मिलेंगे, वो सब इंटीग्रेशन की हुई है। क्या कर लेगा, दो साल में क्या पूछ लेगा, एक रिंग पूछ लेगा, सेमी सर्कल पूछ लेगा, डिस्क पूछ लेगा, शेल पूछ लेगा, सॉलिड स्फीयर पूछ लेगा, सिलेंडर पूछ लेगा। साल तो दो साल दे रहे हैं ना, दो साल में जो मर्जी पूछ ले, बेसिक तो वही रहेंगे सबके, फर्क ही क्या पड़ता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपने सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व कर ही लिया, रिंग आती है, सेमी सर्कल आता है, रॉड आती है, शेल आता है, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन चलते हैं। तो पॉइंट समझ में आया कि मतलब मैं इसलिए अभी करवा रहा हूँ, वैसे प्लस टू के बाद करना बनता है। पहला क्वेश्चन है, ओपनिंग क्वेश्चन है, अच्छा ही लगता है यार, पहली बॉल ही आपको ये क्या है यार, ग्रेविटेशन होने, कॉन्फिडेंस लो कर देगा आपका। तो आई होप अब ये ट्राई करेंगे आप लोग। आंसर तो इसका बी आ रहा है, इसका आंसर जो है वो बी आ रहा है, इंटीग्रेट करके यहाँ से आंसर बी आएगा। एक्चुअली ए आ रहा है, हाँ सॉरी ए आ रहा है, ए आ रहा है, तुमने बी बोला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया हुआ है हमने, वो याद है आर की पावर माइनस 3/2, तो वो 3.5 कुछ ऐसे आंसर आया था। क्या हुआ है, शीट का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। इस क्वेश्चन को देखें, फिगर बनाएं, पेन को हाथ लगाना पड़ता है और फिगर बनानी पड़ेगी, और एक बार देखें कि वेक्टर बनेंगे कैसे। सारी गेम वेक्टर की है ना, एनर्जी नहीं है, ये क्वेश्चन फोर्स का है, तो फोर्स का कोई फॉर्मूला, डायग्राम देखें जरा, जिसके ऊपर फोर्स निकालनी है सारे वेक्टर उसी पे ड्रॉ करें। डायग्राम सबको समझ में आ रहा है कि चार पार्टिकल आपने लेने हैं, एक दो तीन और चार पॉइंट मासेज हैं, एम 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 और एम, और साइड क्या है इसकी, एल, एल होगी ना इसकी साइड, एल यहाँ पे गिवन है, हाँ ओ एल निकालनी है, ओके ठीक है, फिर ए ले लो, ए ले लो, कोई बात नहीं, ए ले लो, निकालने हैं लेंथ ही निकालने, स्क्वायर की साइड ही निकालनी है। ठीक है, ए ले लिया, उसने क्या बोला, वो कह रहा है कि इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड ऑन वन ऑफ द मासेस बाय अदर मासेस, तुम्हारी इच्छा, तुम कोई एक मास पकड़ लो, चलो मैं ये मास पकड़ लेता हूं, कह रहा है इस मास को इसके पड़ोस के मासेस ने कोई फोर्स लगाई। मैंने पूछा कैसी फोर्स लगाई, तो कहता देखो इस मास ने, देखो इसके ऊपर फोर्स निकालनी है,
तो सारे वेक्टर इसी के ऊपर ड्रॉ करने हैं, ये बात नहीं करनी कि यहाँ वेक्टर ड्रॉ करें यहाँ नहीं करेंगे, अब यहीं करेंगे। तो इस पड़ोस के मास ने इस मास को क्या किया, रिपेल। एफ निकाल लोगे, जी एम एम बाई ए स्क्वायर। इस मास ने इस मास को क्या किया, रिपेल। एक और फोर्स निकाल लोगे, ये फोर्स और ये फोर्स एकदम क्या रहेगी, सेम। फिर उसके बाद ये मास ने इस मास को क्या किया, गलत बन गया यार, अट्रैक्ट, यार ग्रेविटेशनल फोर्स कब से रिपल्सिव हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीमा में घूमे जा रहा है। अच्छा दोबारा फिर से, तो इसमें मास अट्रैक्टिव है, तो फिर से वेक्टर ड्रॉ करते हैं। इस मास ने इस मास को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक दिमाग में आ गया, क्यू एंड क्यू रिपेल करता है ना, तो वही चल पड़ा। ठीक है, तो एम और एम अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं है। तो इस मास ने इसे अट्रैक्ट किया, इस मास ने इसे क्या किया, अट्रैक्ट किया। एम और एम अट्रैक्टिव है, और इस मास ने भी इसे क्या किया, अट्रैक्ट किया। ये फोर्स बराबर आएगी, जी एम एम बाई ए स्क्वायर, जी एम एम बाई ए स्क्वायर। ये फोर्स अलग आएगी, ये आएगी जी एम एम बाई रूट टू ए का होल स्क्वायर। सही है, तो एक फोर्स एफ है, एक फोर्स एफ है, एक फोर्स एफ डैश है। तुम वेक्टर जानते हो, क्या तुम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ टू एफ, वो जो वेक्टर आएगा वो इसके साथ जाएगा, तो नेट फोर्स क्या आएगी, एफ डैश प्लस रूट टू एफ। इन दोनों का वेक्टर रूट टू एफ है, रूट टू एफ प्लस एफ डैश। जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्वल करके ए निकाल लेना, ये आपका होमवर्क है, ऐसे करना है। समझ में आ रहा है, मतलब ये तो वापस घूम फिर के वेक्टर पे आ गए हम लोग यार, ग्रेविटेशन कम वेक्टर ज़्यादा। सही है, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो आपने ये घर से एक बार ट्राई, मैंने कहा ये जो भी नेट फोर्स है इसकी इक्वल कर देनी है, इक्वल आ जाएगा। तो ये आपने होमवर्क ट्राई करना है, नेक्स्ट भी होमवर्क है आपका, इजी क्वेश्चन है। मतलब मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यार, जो कि मतलब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट या कोई दिक्कत हो सकती है। बाकी आप देखो तो इस लेंथ के क्वेश्चन तो मैं क्या ही करूँगा सॉल्व, मतलब छोटे हैं ये, तो आप खुद ही करेंगे या आप खुद करेंगे। आप मुझे इसमें बस इसका डायग्राम बता दें क्या बनेगा, और इसका लॉजिक बता दें क्या बनेगा, इसे देखते हुए डायग्राम बनाएं, और कैसे निकलेगी नेट फोर्स इसका लॉजिक बताएं क्या होगा। बनाएं ए बी सी लाइन में ले, और जो चौथा पार्टिकल है परपेंडिकुलर के ऊपर ले। आंसर भी आ गया, आंसर अच्छा। तो इसके अंदर तीन पार्टिकल्स हैं, और तीनों पार्टिकल्स एक लाइन में है, 13-13 मीटर के आसपास, और एक और पॉइंट है फोर्थ, और वो कहाँ पर है, 13 मीटर फ्रॉम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। तो वैल्यू ऑफ फोर्स बतानी है क्या है, मतलब आपको डायग्राम ऐसा बना सबका, ये रहा पहला पार्टिकल, ये रहा दूसरा पार्टिकल, और ये रहा तीसरा पार्टिकल, और बी पॉइंट से ये रहा चौथा पार्टिकल। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। तो रूल नंबर वन, ये मास इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, पहली फोर्स। ये मास भी इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, दूसरी फोर्स। ये मास इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, तीसरी फोर्स। इन दोनों को या तो आप कंपोनेंट से सॉल्व कर लें या पैलोग्राम से सॉल्व कर लें, तो यहां से नेट फोर्स निकाल दें, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये होमवर्क है आपका नेट फोर्स का, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन वेक्टर का बन गया, इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगाना है इसमें, तो ये आपने इस तरीके से ट्राई करना है। ये होमवर्क है, सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है, इसमें ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नाइन्थ। मतलब मैं अपनी तरफ से वो कर रहा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि आप अटक सकते हैं, बाकी मुझे लगता है कि अटकेंगे नहीं तो अगली बार तो मैं आपको पहले 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको 25 क्वेश्चन करके आने हैं, 50 कराएं मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट 2500 करके ही आने हैं, उसके डाउट लूंगा, जहाँ अटकेंगे वो ठीक कर लेंगे,
और अगले 25 या 30 मैं साथ में करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में पूरी PYQ की एक सीक्वेंस बना दूं, ताकि एटलीस्ट उन क्वेश्चन को छांट के करवा दूं जहां पर आप फंस सकते हैं। बाकी तो आपने एक हफ्ते में ट्राई करना ही है। मुझे इसका पहला लॉजिक बताओ क्या लगेगा। ठीक बोल रहे हो आप, थोड़ी समस्या में आ गए हो। मासेस डिफरेंट है तो क्या करना है, मैंने बताया था, आप भूल गए क्लास में। अगर मासेस डिफरेंट है तो क्या करना है ना, मासेस अगर पॉइंट मासेस हैं और डिफरेंट हैं, वो किसके अबाउट घूमेंगे? सेंटर ऑफ मास। और इनका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है ही नहीं। MARA इज इक्वल टू MBRB, पहली इक्वेशन। अब शुरू होगी कहानी। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी का मतलब दो दो स्टार सिस्टम है A एंड B, मासेस MA और MB रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट RARB। तो आपको ऑब्वियसली वो मासेस डिफरेंट है तो RARB रेडियस भी डिफरेंट है, तो MARA इज इक्वल टू MBRB सेंटर ऑफ मास का पॉइंट लगेगा। अब वो कह रहे हैं TA TB आर दी टाइम पीरियड ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली, तो बताने की टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, कैपलर लॉ ट्राई कर लो अगर लगता है तो। सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर ऑफ मास का बुक में ना, हाँ नहीं, इसमें ऐसा करना पड़ेगा। पहला लॉजिक तो इसमें ये लगेगा कि देखो MARA MBRV तो बात ही खत्म हो गई, सही है। दूसरा, जब फर्स्ट पार्टिकल लेंगे, देखो MA और MB के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है और वो कहाँ एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स देयर सेंटर ऑफ मास। तो पहले A पार्टिकल के लिए मैंने इसमें क्या किया, GMM/R² इज MA VA² / RA। ये पॉइंट समझ में आया, मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको, ये वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो बस, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी दोनों की वो सेम होगी, A B को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और वही फोर्स उनको क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रिपिटल। अब सेंट्रिपिटल में ये पहले पार्टिकल की सेंट्रिपिटल है और ये दूसरे पार्टिकल की सेंट्रिपिटल है, तो सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल को इक्वेट कर लिया, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ये भी सही हो गया। अब मुझे पता है कि जो VA है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, और VB का डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि एक RA रेडियस में एक RB रेडियस में। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर VA को यहां पुट कर दिया, VB को यहां पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, सॉल्व करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। पर मुझे पता है MARA इज इक्वल टू MBRB और मेरे पास आंसर आ गया TA इज इक्वल टू TB। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इसमें पहला, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं देख पा रहा हूं कि मासेस अनइक्वल हैं। अनइक्वल में तो आपको सेंटर ऑफ मास की ये इक्वेशन बनानी ही है, और किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में तो आपको हो सकता है सेंटर ऑफ मास निकालना भी पड़े, RARB की वैल्यू पूछ सकता है वो आपसे। आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इन टाइप के क्वेश्चंस का? तो अगली बार हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम